My name is Sunil Jaiswal and I am the student of Pacific Marine Academy and I am currently sponsored by IMEC and doing my DNS course from PS Aman. So आज की वीडियो में हम PS Aman के बारे में बात करेंगे. PS Aman में कौन सी कंपनी आती है, क्या PCM क्राइटेरिया है, क्या कॉलेज फीस है, क्या फॉर्म फीस है. और मैं आपको बता दूँ कि अभी फाइव बैच के लिए PS Aman का फॉर्म ओपन हो चुका है. तो आप लोग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो ड्रॉपर्स हैं और जिनके पास स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं है वो PS Aman का फॉर्म ज़रूर भरें. और अभी बात करता हूँ PS Aman में DNS के लिए PCM क्राइटेरिया क्या है. तो सबसे पहले PCM क्राइटेरिया, आपका मिनिमम 60 PCM होना ही चाहिए और अगर इससे ज़्यादा आपका PCM है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है. और इसके अलावा बात करें फॉर्म फ़ीस क्या है, तो फॉर्म फ़ीस 700 रुपीज़ है जो कि एक कम अमाउंट है. और लास्ट डेट बात करूँ फॉर्म फिल करने का वो 31 अक्टूबर है. तो मैं आप सबको रिकमेंड करना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म. इसके अलावा फाइव बैच के लिए PS Aman में DNS के लिए टोटल 40 सीट्स अवेलेबल है. हाँ, आपने सही सुना, टोटल 40 सीट्स अवेलेबल है, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है फॉर्म भर दें. इसके अलावा PS Aman का DNS के लिए फीस 4,50,000 रुपीज़ है जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट है कंपेरिजन टू एनी अदर इंस्टीट्यूट. और इसके अलावा मैं बात करूँ तो कंपनी एक भी बहुत ही अच्छा टॉपिक जो सबको जानना चाहता है कि इस कॉलेज में कौन सी कंपनियाँ आएगी फाइव बैच के लिए. तो फ्लीट मैनेजमेंट, सबसे पहले फ्लीट मैनेजमेंट तो आएगी ही आएगी. इसके अलावा DM को ये लोग IMEC से भी रिक्रूट करते हैं. IMEC में भी बहुत ही अच्छी कंपनी आती है, लाइक मार्लो, वेस्टर्न शिपिंग, ASP, बर्ज वेलकर, ऐसी ऐसी कंपनियाँ आती हैं जिसके बारे में आप लोगों ने सुना नहीं होगा, बट सच में ये बहुत अच्छी कंपनियाँ हैं जिनका स्टाइपेंड और वेटिंग पीरियड भी कम है. तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है PS Aman, आप लोग इसका फॉर्म भर सकते. और इसके